स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया चैनल के ऊपर, उसमें अपन ने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के ऊपर अलग अलग लोडिंग कंडीशन के फॉर्मूले पढ़े थे। आज उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और WRD PWD एग्जाम्स के लिए ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेक्चर को पूरा देखो। और हम आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि डिफ्लेक्शन निकालने के मेथड्स कौन से रहते और उस मेथड से डिफ्लेक्शन कैसे निकालना, ये भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ 8 से 10 केसेस के फॉर्मूले पढ़े थे कि वो हर लोडिंग कंडीशन में स्लोप कैसे निकालना और डिफ्लेक्शन कैसे निकालना बीम के ऊपर का। उसके आगे के कुछ 4-5 कंडीशंस और पढ़ेंगे आज, जिसके ऊपर मैक्सिमम स्लोप कैसे निकालना और डिफ्लेक्शन कैसे निकालना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक प्रॉप कैंटिलीवर बीम है, अगर इस तरह से कोई कैंटिलीवर बीम आता है जिसका एक एंड फिक्स रहता है और दूसरा एंड सिंपली सपोर्ट रहता है, तो इस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर। और अगर इसके फुल स्पैन में यूडीएल एक्ट हो रहा, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, तो वो फॉर्मूला रहता है 5WL³/24EI। 5WL³/24EI अगर कोई प्रॉप कैंटिलीवर बीम है जिसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला रहेगा 5WL³/24EI। अगर इस तरह की सिंपली सपोर्टेड बीम पे ट्रायंगुलर लोड एक्ट हो रहा है, तो ट्रायंगुलर लोडिंग में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं है, ट्रायंगुलर लोड है, तो ट्रायंगुलर लोड में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरह से निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला रहता है स्लोप निकालने का WL³/120EI। और डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला रहता 5WL⁴/192EI। ये आपको कोई भी एग्जाम में मैच द पेयर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख सकते हैं। दोस्तों आपको 4 केसेस दिएगी बीम की, उधर 4 फॉर्मूले रहेंगे डिफ्लेक्शन निकालने के और आपको मैच करना पड़ेगा पेयर्स। स्लोप के फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत से एग्जाम में नहीं पूछते, सिर्फ डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने हर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी लर्न किया तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो, और आपको इसके ऊपर 1 से 2 मार्क मिल सकते हैं एग्जाम में। थर्ड केस देखेंगे, अगर फिक्स बीम के फॉर्मूले बहुत से कम लोगों को पता होते हैं। फिक्स बीम के अगर सेंट्रल में एक पॉइंट लोड आ रहा L/2 के डिस्टेंस पे दोनों साइड से, तो उसका स्लोप का तो फॉर्मूला नहीं है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है WL³/192EI। अगर फिक्स बीम के सेंट्रल पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा, तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है WL³/192EI। और अगर उसी फिक्स बीम के फुल स्पैन पे UDL एक्ट हो रहा दोस्तों, तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला है WL⁴/384EI। इसका डबल 192 का डबल WL⁴/384EI। तो ये 4 केसेस और ध्यान में रखो, प्रॉप कैंटिलीवर की, ट्रायंगुलर लोडिंग की, फिक्स बीम की और यूडीएल की, फिक्स बीम सेंट्रल लोड की, फिक्स बीम यूडीएल की, ये टोटल 12 केसेस मैंने पढ़ा चुका हूँ। 8 केसेस या 9 केसेस पिछले लेक्चर में दिया था, उसके सारे फॉर्मूले दिया था, वो भी लर्न करके रखना और ये 4 केसेस के फॉर्मूले भी लर्न करना। अगर आपने सिर्फ डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले भी लर्न किए तो भी सफिशियंट है, क्योंकि एग्जाम में स्लोप के फॉर्मूले पूछते नहीं है नॉर्मली कभी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्लेक्शन जो निकालते हैं हम लोग, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, लेकिन अगर अपने को अगर इन सारे बीम्स का डिफ्लेक्शन निकालना है, अगर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो किस मेथड से हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, कौन से मेथड है जिससे हम लोग कोई भी बीम के ऊपर किसी भी तरह का लोड रहो उसका डिफ्लेक्शन हमको फाइंड करते आता। ये तो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जो आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 मार्क के लिए पूछेंगे। लेकिन अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफ्लेक्शन निकाल के दिखाना होता है, तो वो किस तरह से निकालते हैं, तो मेथड्स टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन निकालने के मेथड्स कौन से रहते हैं। तो सबसे पहली मेथड जो बहुत प्रचलित है, इसको बोलते हैं अपन डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसको बोलते हैं अपन डबल इंटीग्रेशन मेथड, और इसी को बोला जाता है मैकॉलेज मेथड।
इसी को बोला जाता है मैकॉलेज मेथड, क्योंकि इस मेथड का जो इन्वेंशन है, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है, वो मैकॉलेज नाम के साइंटिस्ट ने किया है, इसलिए इसको मैकॉलेज मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि आपको एक आपका पास में जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको दो बार इंटीग्रेट करना होता है, दो बार इंटीग्रेट करने के बाद में आपको स्लोप का इक्वेशन मिलता है और डिफ्लेशन का इक्वेशन मिलता है। इस तरह से बताया था मैंने EI d2y/dx² = mx, mx मतलब एक कोई भी सेक्शन जो मोमेंट लेना होता है और उस मोमेंट का जो भी इक्वेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, उस मोमेंट के इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करने का है। d2y/dx² का इंटीग्रेशन करते हो तो dy/dx मिलता है, dy/dx को हम स्लोप बोलते हैं, फिर dy/dx के इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो डिफ्लेशन का इक्वेशन मिलता है, वहां पे दो कांस्टेंट मिलते हैं C1 C2 नाम के, और उन दो कांस्टेंट के हल निकालने के बाद में जिस किसी सेक्शन पे आपको स्लोप या डिफ्लेशन का आंसर निकालना है, वो सेक्शन का वैल्यू रहेगा, मतलब x रहेगा 2x = 2 बोलो, x = 4 बोलो, वो वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट कर देना है, उसके बाद में आपको इसके इस मेथड के हेल्प से स्लोप और डिफ्लेशन का आंसर मिल जाएगा। तो अभी अपन इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले, इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डबल इंटीग्रेशन मेथड से पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ सिमेट्रिकल या फिर दोनों भी जरूरी एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों भी लोड के लिए एप्लीकेबल है। इस मेथड के अंदर आपको एक पर्टिकुलर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करना होता है ताकि आपको स्लोप और डिफ्लेशन के इक्वेशन मिलते, उसके बाद में आपको बाउंड्री कंडीशन लगाकर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होता है, और उसके बाद में आपको जिस सेक्शन पे स्लोप और डिफ्लेशन पूछा है उस सेक्शन पे आप निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालना, ये हम इसके ऊपर जो सॉल्व न्यूमेरिकल देंगे वो आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको कांसेप्ट समझ जाएगा, ठीक है। आज अपन सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से मेथड से हम डिफ्लेशन निकाल सकते हैं, तो इस मेथड के अंदर इतना ध्यान में रखो ये मेथड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों भी लोडिंग के लिए एप्लीकेबल है और इसमें आपको इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। दूसरी मेथड है कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो ये मेथड बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है दोस्तों, इस मेथड के अंदर जो बीम हम कंसिडर करते वो एक इमेजिनरी बीम होता है। दिस मेथड इज यूज फॉर एन इमेजिनरी बीम, ध्यान में रखना आपको, दिस मेथड इज यूज फॉर एन इमेजिनरी बीम, दिस मेथड इज यूज फॉर एन इमेजिनरी बीम। इसमें जो बीम हम कंसिडर करते हैं उसको हम इमेजिनरी बीम बोलते हैं, और इस इमेजिनरी बीम को हम मोस्टली कंपेयर करते हैं रियल बीम के साथ में, इस इमेजिनरी बीम को अपने को कंपेयर करना होता है रियल बीम के साथ में। जैसे कि जो रियल बीम का लोडिंग डायग्राम होता है, जैसे कि एक रियल बीम का लोडिंग डायग्राम होता है इस तरह से, इसमें दो लोड आ रहे हैं सपोज, इसको बोलते हैं अपन लोडिंग डायग्राम। तो रियल बीम में हम इसे लोडिंग डायग्राम बोलते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट बीम के अंदर, कॉन्जुगेट बीम के अंदर हम इस डायग्राम को M/EI डायग्राम बोलते हैं, कॉन्जुगेट बीम के अंदर हम इस डायग्राम को M/EI डायग्राम बोलते हैं। तो आपको एक नोट लिख के रखनी है, द लोडिंग डायग्राम ऑफ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द M/EI डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम, ये आपको लिख के रखने का है नोट पॉइंट्स, लोडिंग डायग्राम ऑफ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द M/EI डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम। तो लोडिंग डायग्राम के ऊपर से अपने को इजीली समझ जाता M/EI डायग्राम मतलब कैसा है दोस्तों, जैसे कि अपन कोई बीम का शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं, BMD निकालते हैं, जैसा हम किसी बीम का SFD निकालते हैं वैसे ही हमको बीम का M/EI डायग्राम निकालना होता है। M मतलब उस सेक्शन का पर्टिकुलर मोमेंट होता है और EI मतलब होता है फ्लेक्चरल रिजिडिटी, जिसके वैल्यू आपको पता होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके प्रॉब्लम में दिए होते हैं, आपको सिंपली लोडिंग डायग्राम का M/EI डायग्राम निकालना होता है जो हम कॉन्जुगेट बीम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपना M/EI डायग्राम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब M/EI डायग्राम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब समझ लो कि अपना लोड कैसा है, अपवर्ड है। जैसे कि यहाँ से कैसा है, रियल बीम में आपको इजीली समझता है कि आपका लोड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि लोड के डायरेक्शन से आप समझ जाते हैं कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। लेकिन M/EI डायग्राम से आप कैसे समझोगे कि आपका लोड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो अगर आपका M/EI डायग्राम आपने प्लॉट कर लिया और अगर वो डायग्राम कंप्लीटली पॉजिटिव आया तो समझ लेना कि आपका लोड कैसा है, अपवर्ड है, और अगर आपका M/EI डायग्राम नेगेटिव आ रहा तो इसका मीनिंग है कि आपका लोड कैसा है, डाउनवर्ड है, आपका लोड कैसा है, डाउनवर्ड है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं M/EI डायग्राम के हेल्प से कि आपका लोड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि हम जो रियल बीम का लोडिंग डायग्राम होता है
उसे हम कॉन्जुगेट बीम के अंदर एम अपॉन ईयर डायग्राम बोलते हैं, और अगर अपना एम अपॉन ईयर डायग्राम पॉजिटिव आता है तो उसे हम बोलते हैं अपर लोड, और अगर अपना एम अपॉन ईयर डायग्राम नेगेटिव आता है तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड लोड। ठीक है, अब और भी कुछ पॉइंट ध्यान में रखने का है, जैसे कि जब अपन अपने रियल बीम में किसी सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स निकालते हैं, जैसे कि अब मुझे सी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है, तो ये मेरा रियल बीम है, ये मेरा रियल बीम है, रियल बीम में निकाला हुआ सी पॉइंट का शियर फोर्स कॉन्जुगेट बीम में वो रिप्रेजेंट करता सी पॉइंट का स्लोप। मतलब क्या ध्यान में रखने का है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द स्लोप एट दैट सेक्शन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम। क्या ध्यान में रखने का है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द स्लोप एट दैट सेक्शन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम। मतलब आपको अगर कॉन्जुगेट बीम का स्लोप निकालना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्जुगेट बीम को पहले रियल बीम में कन्वर्ट करो, और रियल बीम के जिस सेक्शन पे आपको स्लोप निकालना था, उस सेक्शन के रियल बीम के उस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालो, रियल बीम के उस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालो, वो जो भी शियर फोर्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी द योर स्लोप एट दैट सेक्शन फॉर अ कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम क्या है, इमेजिनरी बीम है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अगर आप तेरे को कॉन्जुगेट बीम सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, रियल बीम के उस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालो, और वो जो शियर फोर्स आएगा वही अपने कॉन्जुगेट बीम के उस सेक्शन का स्लोप रहेगा। ठीक है, अगर आपका शियर फोर्स पॉजिटिव आता है तो स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका शियर फोर्स नेगेटिव आता है तो स्लोप भी नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर शियर फोर्स पॉजिटिव आ रहा तो स्लोप भी पॉजिटिव, और अगर आपका शियर फोर्स नेगेटिव आ रहा तो स्लोप भी नेगेटिव। देखो दोस्तों, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आता है, लेकिन वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, अगर कोई रियल बीम का एंड अगर फिक्स है, रियल बीम में अगर बीम का एंड फिक्स है तो कॉन्जुगेट बीम में वो बीम का एंड कैसा रहेगा। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों आपको, रियल बीम में अगर बीम का एंड फिक्स है तो कॉन्जुगेट बीम में वो बीम का एंड कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। अगर रियल बीम में वो बीम का एंड फ्री है तो कॉन्जुगेट बीम में वो फिक्स रहेगा, अपोजिट रहता, अगर रियल बीम में फ्री तो उधर फिक्स, रियल बीम में फिक्स तो कॉन्जुगेट में फ्री, हिंज पे कुछ कंपर्शन नहीं होता। अगर रियल बीम में आपका एंड हिंज है तो कॉन्जुगेट बीम में भी वो एंड हिंज ही रहेगा, रियल बीम में रोलर है तो उधर भी रोलर ही रहेगा, उधर कन्वर्शन नहीं होता, क्योंकि हिंज को अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री एंड फ्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स, बट हिंज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स। तो ध्यान में रखो, हिंज सपोर्ट अगर रियल बीम में हिंज है तो कॉन्जुगेट बीम में भी हिंज रहता। इस तरह के मैच द पेयर्स के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आप कोई भी बुक सजेस्ट करो, आप कोई भी बुक रेफर करो एमसीक्यू के लिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये चैप्टर उसके अंदर रेफर करते हो तो। ठीक है, अब ये तो हो गया स्लोप कैसे निकालना, स्लोप कैसे निकालना है, फिर रियल बीम के उस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालो, वो जो शियर फोर्स आएगा वही अपने कॉन्जुगेट बीम का स्लोप रहेगा। अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालना, तो वैसे ही रियल बीम के किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम। जिस तरह से शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द सेक्शन एट द ऑफ द कॉन्जुगेट बीम, उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम। तो अगर मैं आपको कॉन्जुगेट बीम का एक एंड कंक्लूजन बताऊं तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ अ रियल बीम रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम। ये कंक्लूजन लिख के रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो निकालते रियल बीम के अंदर वही वैल्यू कॉन्जुगेट बीम की स्लोप और डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। ये ध्यान में रखना, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अपवर्ड, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड। तो ये दो मेथड बताया मैंने, डबल इंडिकेशन मेथड बहुत सिंपल है, उसके ऊपर ज्यादा कोई बोलने के लिए था नहीं, उसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ ही जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेट बीम थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके अंदर बोलने के लिए बहुत कुछ था, तो इतने पॉइंट्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको बता दिए मैंने, कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ जा सकते हैं,
वो भी बता दिया ताकि आप लोगों को एग्जाम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अपन थर्ड मेथड पे जाएंगे। थर्ड मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड। जो थर्ड मेथड है डिफ्लेक्शन फाइंड करने की, उसका नाम है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, तो मोमेंट एरिया मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? मोमेंट एरिया मेथड से अगर आपको कोई डिफ्लेक्शन निकालना है बीम का, तो उसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसमें आपको पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप एंड जीरो डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। मतलब ये मेथड तभी बेस्ट सूटेबल है, दिस मेथड इज बेस्ट सूटेबल व्हेन पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज नोन, इज नोन। जब आपको आपके बीम पे जो भी बीम आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसा भी उसके ऊपर लोड है, आपको अगर पता है कि इसमें मैक्सिमम स्लोप का, इसमें जीरो स्लोप कहाँ आने वाला है और इसमें जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ आने वाला है, तो आप उस प्रॉब्लम को मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको पता नहीं है कि आपका एग्जैक्ट जीरो स्लोप कहाँ आने वाला है और डिफ्लेक्शन जीरो कहाँ आने वाला है, तो बेहतर है कि उसको आप डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल है जब अपने को लोडिंग सिमेट्रिकल है, क्योंकि जब लोड सिमेट्रिकल आता है तो मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि सेंटर पे स्लोप हमेशा जीरो रहेगा और सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो रहेगा। क्योंकि अगर लोड सिमेट्रिकल है तो हम वो पॉइंट पता कर सकते, लेकिन अगर लोड सिमेट्रिकल नहीं है तो वो पॉइंट पता करना डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर द सिमेट्रिकल लोडिंग फॉर द प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन अगर बीम का रहता है तो उस पे लोड हमेशा सिमेट्रिकल आता है। और एक पॉइंट इसके बारे में ध्यान में रखना कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज इन बीम। अगर किसी बीम का ऐसा बीम है सपोज, और अगर बीम के कोई इंटरनल पॉइंट पे एक हिंज सपोर्ट है, अगर एक बीम पे ये दो सपोर्ट सिंपल थे और इसके दो सपोर्ट के बीच में कहीं पे एक हिंज सपोर्ट है, मतलब बीम के इंटरनल, बीम के अंदर कहीं पे किसी पॉइंट पे अगर हिंज सपोर्ट है, तो वहां अपन मोमेंट एरिया मेथड सुटेबल यूजफुल नहीं है, वहां अपन इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहां अपन कॉन्जुगेट बीम यूज कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एमसीक्यू में, which method is suitable for the presence of internal hinge, तो वहाँ moment area suitable नहीं है लेकिन conjugate beam suitable है। तो ये ध्यान में रखना, conjugate beam is suitable for the presence of internal hinge, but moment area method is not suitable for the presence of internal hinge। तो ये तीन point ध्यान में रखना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसके related जो भी MCQ बनते हैं, एक आधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसके ऊपर, एक तो formula का आएगा या फिर methods के ऊपर आएगा। तो ये सारे जो वन आइटम्स मैंने बताया आज, वो आप ध्यान में रखो ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड जो आएंगे एग्जाम में वो सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो पार्ट थ्री अपलोड करूंगा मैं, उसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा डबल इंटीग्रेशन मेथड का, मैकॉलेस मेथड का, एक सिंपली सपोर्ट बीम का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, उसका मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकालना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इसके पार्ट थ्री में। तो इस लेक्चर को, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये सारे मेथड्स जो मैंने समझाए वो आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट तुरंत और सबसे पहले मिल सके, किसी अपडेट को आप मिस ना कर सको, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो।